तो गाइज आप भी फोन पे एप्लीकेशन का यूज करते होंगे और फोन पे के वॉलेट पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। अगर आप अपने फोन पे के वॉलेट में पैसे ऐड किए हैं या आपको रिवॉर्ड मिला है या कैशबैक मिला है और आप चाहते हैं कि फोन पे के वॉलेट के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो तीन तरीका बताऊंगा गाइज। तीनों तरीके से आप आसानी से अपने बैंक अकाउंट में फोन पे के वॉलेट पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, गोल्ड खरीद के या आप डायरेक्ट भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो तीन तरीका क्या है दोस्तों, चलिए मोबाइल के होम स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ डिटेल के साथ जानते हैं किस तरह से फोन पे के वॉलेट पैसे को आसानी से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। चलिए मोबाइल के होम स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले आपको फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। मेरा यहाँ सब फोन पे एप्लीकेशन है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने इंटरफेस शो हो जाएगा, आपको यहाँ दिखाई देगा बैंक बैलेंस, आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से शो हो जाएगा फोन पे वॉलेट, आप चाहे यहाँ क्लिक कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट फोन पे वॉलेट में आ जाएंगे, या चाहे तो आप इस ऑप्शन नीचे वाला एक ऑप्शन माई मनी इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने फोन पे वॉलेट ऑप्शन शो हो जाएगा, सिंपली आपको इसे यहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ शो कर रहा है फोन पे वॉलेट 100 रुपीज़। आप चाहते हैं इस वॉलेट पैसे को हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन आप बता देते हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है फोन पे वॉलेट के सामने, सिंपली इस पर आपको कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस शो होगा, आपको यहाँ दिखाई देगा रीएक्टिविंग क्लोज फोन पे वॉलेट, सिंपली इस वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से एक नया इंटरफेस शो हो जाएगा, सबसे नीचे आपको शो करेगा हाउ डू आई क्लोज माई फोन पे वॉलेट, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है, आपको नीचे आ जाना है, क्लोज वॉलेट में आपको क्लिक करना है। क्लोज वॉलेट में क्लिक करने के बाद फिर से एक इंटरफेस शो हो जाएगा, आपको यहाँ ध्यान देना है दो नंबर पे विथड्रॉल वॉलेट बैलेंस, यानी आप विड्रॉल करना चाहते हैं वॉलेट बैलेंस को, सिंपली आपको यहाँ क्लिक कर देना है, विड्रॉल वाला क्लिक कर देना है। अकाउंट में फोन पे के वॉलेट पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ये नियम सही नहीं है क्योंकि इस नियम से आपका फोन पे का वॉलेट हमेशा के लिए डीएक्टिवेट हो जाएगा और इन फ्यूचर में आपका फोन पे वॉलेट कभी एक्टिवेट नहीं होगा। तो दोस्तों ये तरीका सही नहीं है, इससे आपका फोन पे वॉलेट हमेशा के लिए डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन को हम दिखाते हैं दोस्तों। दूसरा ऑप्शन क्या है, फिर से हम फोन पे वॉलेट में आ जाते हैं, फिर से हम फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद माई मनी में क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ शो करेगा बाय गोल्ड दूसरा ऑप्शन। दोस्तों यहाँ सिंपली आपको शो करेगा, आप देख सकते हैं बाय गोल्ड, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा, यहाँ आपको दिखाई देगा, देखिए दोस्तों बाय गोल्ड, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने इस तरह से एक नया इंटरफेस शो हो जाएगा, यहाँ रुपीज़ में या ग्राम में आप खरीदना चाहते हैं। चलिए हम रुपीज़ में खरीदना चाहते हैं, रुपीज़ वाला में हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको शो, आप यहाँ कितने रुपये का आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं। दोस्तों मेरे फ़ोन पे वॉलेट में 100 रुपया था, तो मैं 100 रुपये का खरीदना चाहता हूँ इस तरह से, और यहाँ दिखाई देगा बाय का ऑप्शन, सिंपल दोस्तों यहाँ बाय कर लेना है। बाय करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपका गोल्ड खरीदा जाएगा 100 रुपीज़ का, और 3% GST के साथ आपके जितने भी पैसे हैं आपके बैंक अकाउंट में 24 घंटे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन था। तीसरा ऑप्शन क्या है जो सब यूज करते हैं, बहुत ही आसान है, तीसरा ऑप्शन आपको हम दिखा देते हैं दोस्तों। चलिए फोन पे वॉलेट हम फिर खोल लेते हैं। तीसरा ऑप्शन दोस्तों, अगर फोन पे वॉलेट दोस्तों, तीसरा नियम क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है फोन पे के स्कैन QR कोड, सिंपली आपको यहाँ शो करेगा। अगर आपके पास फोन पे बिजनेस अकाउंट है उसका QR कोड स्कैन करके आप डायरेक्ट फोन पे वॉलेट मनी को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, या किसी शॉप में जाते हैं, ऑनलाइन का दुकान हो या कोई राशन का दुकान हो, वहाँ से आप QR कोड को स्कैन करके आप वहां पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसे कैश ले सकते हैं या कुछ सामान ले सकते हैं। चलिए मैं QR कोड को स्कैन करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों सिंपली मैं क्या QR कोड को स्कैन कर लिए हैं, करने के बाद मेरा फोन पे वॉलेट में 100 रुपया था, तो 100 रुपये हम यहां इंटर कर देते हैं और यहां सिंपली पे कर देते हैं।
पे करने के बाद दोस्तों ये फ़ोनपे का वॉलेट मनी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप फ़ोनपे के वॉलेट मनी को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीन ऑप्शन बताएं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपको सही लगा, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा। इस तरह से आप फ़ोनपे के वॉलेट मनी को बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से देखिए, 100 रुपया मेरा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। फ़ोनपे के वॉलेट मनी को बिजनेस अकाउंट में हम QR कोड का स्कैन करके ट्रांसफ़र कर दिए हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास फ़ोनपे बिजनेस अकाउंट नहीं है, QR कोड नहीं है, तो किसी शॉप में, किराना की दुकान में जाइए और वहाँ ट्रांसफ़र करके आप कैश ले सकते हैं या कोई सामान ले सकते हैं दोस्तों। कैसी वीडियो लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस तरह की वीडियो पाने के लिए अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।